नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में चीन से आगे निकल गया है। अब तक कोरोना की चपेट में आकर दुनिया में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 16,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं और वहां कुल आंकड़ा 85,000 के पार पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक बताया गया कि अमेरिका में एक सप्ताह पहले सिर्फ 8,000 कन्फर्म केस थे, जो आज 85,088 तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा सप्ताह में 10 गुना बढ़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना कितनी तेजी से पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस की महामारी भारत में अपने पैर पसारते ही जा रही है। शुक्रवार सुबह तक देश में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या 730 के करीब पहुंच गई है। इस बीच इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है, आज उसका तीसरा दिन है। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में सभी को घरों में कैद करके रख दिया है। अभी भारत में 730 के करीब लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए, सिर्फ एक दिन में करीब 80। देश पर आए कोरोना वायरस के महासंकट से निपटने के लिए हर कोई अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सख्त फैसले ले रही हैं, तो वहीं भारतीय सेना भी हर चुनौती से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख MM नरवणे का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सेना किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार है। आर्मी के पास एक 6 घंटे का प्लान तैयार है, जिसके तहत तुरंत ही आइसोलेशन सेंटर और ICU को तैयार किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना देश के लिए और लोगों के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार कहती है तो सेना पूरी तरह से तैयार है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने उस असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया, जिसने 15 गैर मुस्लिम छात्रों को परीक्षा में फेल करने को लेकर ट्वीट किया था। इसकी जानकारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने दी है। यूनिवर्सिटी ने ट्वीट कर प्रोफेसर के इस रवैये को सांप्रदायिक असंतोष फैलाने वाला एक गंभीर दुराचार बताया। साथ ही जामिया ने कहा है कि प्रोफेसर अब्रार अहमद को इसके लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जांच लंबित है। निलंबित प्रोफेसर अब्रार अहमद ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैंने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने वाले 15 गैर मुस्लिम छात्रों को फेल कर दिया है। वहीं मामला तूल पकड़ता देख जामिया प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया और जांच शुरू कर दी है। हालांकि सस्पेंड करने के बाद प्रोफेसर का कहना है कि वो सिर्फ व्यंग्य कर रहे थे, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हंगामा होने पर उन्होंने विवादित ट्वीट को भी डिलीट कर दिया है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ब्रेक लग गया है। लॉकडाउन के कारण किसी तरह के कोई यातायात के साधन न मिलने के कारण उत्तराखंड में कई पर्यटक भी फंसे हुए हैं। देश में हुए लॉकडाउन के बाद जहां काफी संख्या में बाहरी राज्यों के पर्यटक उत्तराखंड में फंस चुके हैं, तो वहीं अब सरकार भी उनको सकुशल उनके घर भेजना चाहती है। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार से अनुमति लेकर बसों का इंतजाम कर सभी पर्यटकों को उनके राज्य उनके घर भेजने की व्यवस्था कर रही है। फंसे हुए अधिकतर लोग गुजरात और उत्तर प्रदेश के हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। ऐसे में दिल्ली के तिहाड़ जेल की तर्ज पर पंजाब सरकार ने कोरोना के चलते एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत जेल की भीड़ को कम करने के लिए कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। पंजाब में 6,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया गया है। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि ऐसे कैदी जिन्हें 7 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन 6,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के जेलों में बंद ऐसे कैदियों को 6 सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा किया जा रहा है, जो साधारण अपराध में सजायाफ्ता है। इसके अलावा उन्हें रिहा किया जा रहा है जिनके बाहर आने से कानून व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या खड़ी न हो। लॉकडाउन के बीच देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 5.15 से घटकर 4.45% आ गई है। रेपो रेट की यह कटौती RBI इतिहास की सबसे बड़ी कटौती है। बता दें कि बीते 2 मौद्रिक समीक्षा बैठक में RBI ने रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया था। इसके साथ ही RBI ने रिवर्स रेपो रेट में भी 90 बेसिस पॉइंट कटौती करते हुए 4% कर दी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 724 हो गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर पूरा देश चिंतित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कोरोना को लेकर काफी गंभीर हो गया है। यही वजह है कि RBI ने एहतियातन 50 कर्मचारियों को क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना को लेकर हम गंभीर हैं, हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहते, इसलिए कई कदम उठाए गए हैं। 50 कर्मचारियों को क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया, जिसमें RBI के कामकाज में कोई परेशानी न हो। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की तबाही झेल रही है। पाकिस्तान में भी बदतर हालात हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान अपने कोरोना मरीजों को जबरदस्ती POK में भेज रहा है और यह सब पाकिस्तान तब कर रहा है जबकि वह आए दिन पूरी दुनिया में कश्मीर का रोना रोता है। दरअसल पाकिस्तान के मुरपुर इलाके में स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंजाब के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सेना से दूर करने के लिए पंजाब से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भेजा जा रहा है। मीरपुर सहित POK में कई क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों में पंजाब प्रांत के COVID-19 से संक्रमित मरीजों को रखा गया है और यह आदेश पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने दिया है।
यस बैंक संस्थापक राणा कपूर ने दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को आधार बनाकर अदालत में जमानत की अर्जी लगाई है। नवी मुंबई की तालोजा जेल में बंद कपूर ने अर्जी लगाई कि अगर वह जेल में रहते हैं तो उन्हें कोरोना वायरस होने की आशंका है, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। याचिका में कपूर ने दावा किया कि वह बीते एक साल से ज्यादा वक्त से हाई बीपी और डिप्रेशन के शिकार हैं, साथ ही वह ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित हैं जिसके चलते उन्हें फेफड़े का संक्रमण होने का खतरा है, जिससे उनकी जांच भी की जा सकती है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।